हेलो मित्रों, आप सभी का हमारे चैनल स्मार्ट एजुटेक में स्वागत है। तो जो भी साथी नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे। तो मित्रों, आज हम बताएंगे जेता विधानसभा 116 के अंदर अनुमानित क्या आंकड़े रह सकता है और कौन जीत सकता है। तो ये सब फैक्ट है वो अनुमानित और वोटर्स के रुझान के हिसाब से बनाए गए हैं, लेकिन ये आंकड़े लगभग लगभग 99% सही हो सकते हैं जब भी रिजल्ट आएगा उस टाइम। तो मित्रों, जयपुर विधानसभा 116 के अंदर टोटल मतदाता हैं वो करीब 3 लाख के आसपास हैं और 70% के आसपास वोटिंग हो सकती है, 2,15,000 के लगभग। और इसके अंदर 9 जने कैंडिडेट हैं जो कंटेस्ट कर रहे हैं और उनके अंदर मेन मुकाबला है वो कांग्रेस से सुरेंद्र गोयल, जो कि पहले भी जेता में 5 बार एमएलए रह चुके हैं बीजेपी से और मंत्री भी रहे उनका, और बीजेपी से अविनाश जी गहलोत जो कि वर्तमान एमएलए हैं और आरएलपी प्लस एएसपी के संयुक्त उम्मीदवार दिलीप जी चौधरी जो एक बार एमएलए रह चुके हैं 2008 में निर्दलीय चुनाव लड़के जीते थे और फिर कांग्रेस के समर्थन से संसदीय सचिव बने थे। चौथे उम्मीदवार योगी लक्ष्मण नाथ जी हैं। मेनली मुकाबला इन चारों के बीच में रहेगा और इसके अलावा मंगरा के अंदर मुकुट सिंह रावत जो वो भी काफ़ी प्रभावित कर सकते हैं। तो मित्रों, टोटल देखा जाए तो करीब कांटे की टक्कर है वो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में रह सकती हैं और लास्ट में देखते हैं किधर वोटरशिप होता है। अगर जो SC ST और मोमडन है वो अगर आरएलपी एएसपी की तरफ झुकाव जाता है तो दिलीप जी के भी ज़्यादा चांस बनते हैं, लेकिन मेन मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच में हो सकता है। तो करीब 3,10,000 के आसपास मतदाता हैं, 70% वोटिंग होगी तो भी 2,10,000 से 15,000 के बीच वोटिंग हो सकती है टोटल। और इसके अंदर रुझान और जो वोटर्स हैं उनके अनुमान के अनुसार देखा जाए तो करीब यहाँ पे बीजेपी की 5,000 वोटों से विजय होगी। इसके अंदर बीजेपी 70,000 के आसपास वोट लेके आएगी और कांग्रेस से जो सुरेंद्र गोयल जी हैं वो 65,000 के आसपास वोट ला सकते हैं। और इसके अंदर दिलीप जी चौधरी जो रुझानों के अनुसार 45,000 के आसपास अटक सकते हैं। अब इसके अंदर लास्ट में मुस्लिम वोटर्स किधर शिफ्ट होते हैं उनकी भी अहम भूमिका रहेगी। अगर गोयल साहब के पास ज़्यादा जाते हैं तो दिलीप जी 45 से भी नीचे आ सकते हैं और अगर दिलीप जी के पास आते हैं तो दिलीप जी जीत की ओर भी अग्रसर हो सकते हैं। और रही बात तो दिलीप चौधरी जी 45,000 के आसपास अटक सकते हैं और योगी लक्ष्मण नाथ जी उनके करीब 25,000 के आसपास वोटर्स हैं, उनको उनके समाज का प्लस पॉइंट भी मिल सकता है और आसपास में एक संत होने की वजह से भी वोटर्स को लुभा के वोट ला सकते हैं। बाकी मेन मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच में रहेगा और मुकुट सिंह जो हैं उनको भी मंगरा के अंदर उनका थोड़ा प्रभाव है तो 15,000 के आसपास वोट रावत वोटर्स पे उनकी नज़र है। तो मित्रों, रुझानों के अनुसार जेता विधानसभा 116 में बीजेपी 5,000 वोटों से विजय होगी और इसके साथ ही कांग्रेस और बीजेपी के बीच में कांटे की टक्कर भी देखने को मिल सकती है और यहाँ पे सुरेंद्र गोयल भी काफ़ी भारी पड़ सकते हैं, लेकिन अंत में विजय बीजेपी की ही होगी। थैंक यू गाइज फॉर वाचिंग दिस। जो भी साथी नए हैं वो जनता विधानसभा क्षेत्र के सभी मतदाताओं से निवेदन है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू गाइज़।